किन्नरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोज मिल्क केक का एगलेस वर्जन। ये केक पिंक कलर में बनाते हैं और रोज मिल्क के साथ सर्व करते हैं। पिंक कलर की वजह से ये केक लड़कियों की बर्थडे के लिए परफेक्ट चॉइस है। पहले हम पिंक कलर का स्पॉन्ज केक बनाएंगे, उसके बाद स्पॉन्ज केक को रोज मिल्क में पूरा सोक कर लेंगे। अंत में रोज पेटल्स और व्हिप क्रीम से गार्निश करेंगे। सर्व करते समय रोज मिल्क के साथ सर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पूरी रेसिपी। सबसे पहले हम 90 ग्राम मेल्टेड बटर एक बाउल में लेंगे। उसमें 1/4 कप दही को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिल जाने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव करके डालेंगे। 2 कप मैदा, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप पीसी हुई शक्कर को बाउल में छान लेंगे। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को व्हिस्क से अच्छे से मिला लेंगे। अगर बैटर ठीक हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला लें। हमारा बैटर तैयार है। मैंने 3/4 कप दूध मिलाया है। 1 टेबलस्पून दूध या पानी में मिलाया हुआ पिंक कलर डालेंगे। पिंक कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक टीस्पून गुलाब की पत्तियों का पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ में 3/4 टीस्पून रोज एसेंस या तो फिर गुलाब जल ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमने केक ट्रे को ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लिया है। साथ में ओवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। बैटर को केक ट्रे में पोर कर लेंगे और इक्वली फैला लेंगे। केक ट्रे को प्लेटफॉर्म पर 3-4 बार टैप कर लेंगे, उससे बैटर इवनली फैल जाएगा। केक को ओवन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। केक एजी से ब्राउन होने लगेगा। केक को टूथपिक से चेक कर ले। टूथपिक क्लियर आने पर मैंने ओवन बंद कर लिया था और केक को 5 मिनट बंद ओवन में ही रखा हुआ था। उसके बाद केक को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा केक स्पॉन्जी बना है और इवनली बेक हुआ है। जब तक केक पूरा ठंडा होता है तब तक हम 1 ग्लास में 1/4 कप कंडेंस मिल्क, 3/4 कप मिल्क, 1 टीस्पून रोज एसेंस और पिंक कलर मिक्स करेंगे। आपके पास रोज सिरप जिससे हम शरबत बनाते हैं वो है, तो रोज एसेंस और पिंक कलर की जगह पे सिरप डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिला ले।
अब केक को ट्रे में रख के ही फॉर्क से छेद बना लेंगे। पूरी केक में छेद बना ले ताकि मिल्क अच्छे से इवनली सोक हो जाए। अब हमारा रोज मिल्क पूरी केक पे डालेंगे। चिंता ना करें, केक पूरा मिल्क सोक कर लेगी। इस केक को हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए 30 मिनट के बाद केक सेट हो गया है और पूरा मिल्क केक में अच्छे से सोक हो गया है। इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम का लेयर बना लेंगे। स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर ले। जरूरत लगे तो फिर से केक को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे। विंटर के मौसम में शायद जरूरत ना भी लगे। अब हम केक के ऊपर मल्टी कलर टूटी फूटी डालेंगे। और फ्रेश गुलाब की पत्तियों से भी सजाएंगे। हमारा रोज मिल्क केक कट करने के लिए तैयार है। केक को पहले धारदार चाकू से पेस्ट्री टाइप में कट कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बना है और मॉइस्ट भी है। अब हम हमारे केक को सर्व करेंगे। केक पीस को सर्विंग प्लेट में लेंगे। प्लेट में केक की चारों तरफ रोज मिल्क पॉर कर लेंगे। स्पॉन्जी रोज फ्लेवर्ड केक का मजा लीजिए। यकीन मानिए ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये केक जरूर से बनाएं और आपके सुझाव और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। ऐसी नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।